सभी जिले वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी तरह के अफवाहों के खिलाफ ध्यान नहीं दे एवं भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा से रिपोर्टर अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। शुरू करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो संभावित निर्णय है उसको देखते हुए सभी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है हमारे शहर में और पूरे जिले में, चाहे वो रेलवे परिसंपत्तियां हैं या सार्वजनिक महत्व की कोई भी संपत्तियां हैं, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। किसी भी तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो उस सबसे निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। आम जनता से ये अपील है कि बहुत ही शांतिपूर्वक, बिना किसी सोशल मीडिया पर, बिना किसी कमेंट के, बिना किसी भेदभाव पूर्वक किसी तरह की गतिविधि के अपने घर पर शांतिपूर्वक रहें। हम ये कोशिश करेंगे कि हर संभव प्रयास करेंगे कि हर संभव स्थिति में शांति बनी रहे, किसी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति नहीं बने। यदि कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए पुलिस और फोर्स पूरी तरह से तैयार किया गया है। किसी भी तरह के कोई डर के माहौल की आवश्यकता नहीं है। खंडवा शहर में पिछले दिनों में, पिछले 6-8 महीने से देखा जाए कि बहुत ही शांतिपूर्वक सभी त्यौहार, सभी तरह के फंक्शंस निकले हैं। मेरा मानना है कि सभी लोग आराम से बहुत ही शांतिपूर्वक रहें, किसी तरह के कोई डर या माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से सबकी तरफ ये अपील है कि कल और कल ऑनवर्ड्स शांति व्यवस्था बनाए रखें, अन्यथा ना कोई कमेंट करें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ना किसी के भड़काऊ भाषण दें, ना किसी के बहकावे में आए। धारा 144 एज ऑफ नाउ लागू है। 4 या 4 से अधिक लोग किसी एक जुलूस रैली में नहीं निकल सकते हैं। साथ साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन से माइक पे किसी भी तरह के कमेंट्स इस आने वाली या संभावित जो कल आने वाली है या आगे आने वाली डिसीजन के ऊपर, वो उस पर भी बंदिश है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज, एक्साइज शॉप्स, सारी चीज़ें कल बंद हैं। साथ साथ की जो 144 का ऑर्डर है उसमें ये भी क्लियर कट है कि कोई भी पटाखे नहीं बजाएगा सेलिब्रेशन में या अन्यथा। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे फ्लेमेबल मटेरियल है, पेट्रोल, डीजल या अन्य, उसको ओपन में खाली नहीं बिक्री करेगा। इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं, जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए हैं, वो सारे 144 के ऑर्डर में कवर्ड हैं। और हमारी ये अपील है कि हमको खंडवा को एक मिसाल के तौर पे पेश करने की ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा टाइम है जहां हम ये कह सकते हैं कि खंडवा में एक समय का चक्र चल रहा है और इस तरह का चले कि यहाँ पे आगे वाली आने वाली जनरेशन एक प्राइड के साथ कह सके, गर्व के साथ कह सके कि हमारे जिले में कुछ नहीं हुआ, हमारे जिले में शांति बनी रही, क्योंकि हमारे जिले की जनता इतनी मैच्योर है और इतनी संवेदनशील है और जिले के विकास के लिए ज़्यादा केयर करती है। बस यही हमारी सबसे अपील है।